क्या करूं अगर मेरी एल्बोज हाइपर एक्सटेंडेड है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ योर एल्बोज। फॉर दैट कम ऑन योर फोर्स। आप देखते हैं कि जब आप प्लैंक पोजीशन में आते हैं या फिर कैट एंड काउ में रहते हैं तो आपकी एल्बोज स्ट्रेस से स्ट्रेट से अगर आगे की ओर पुश हो रही है, सो दैट इज द हाइपर एक्सटेंशन इन योर एल्बोज। लाइक दिस इज माय स्ट्रेट एल्बोज एंड व्हेन आई एम हाइपर एक्सटेंडिंग इट, सो ये मेरी यहाँ की मसल्स और टेंडन्स पे एक एक्स्ट्रा और अनड्यू प्रेशर डाल रही है, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग को बहुत ज़्यादा इंजरी करने वाला है या हार्मफुल होने वाला है। सो कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? लेट्स वॉच। यू कैन सी दिस इज नोन एज द आई ऑफ योर एल्बो। सो व्हेन योर आईज ऑफ एल्बोज आर आउटसाइड, दैट मीन्स योर एल्बोज आर हाइपर एक्सटेंडेड। सो व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या है, हल्के से इसको इनवर्ड रोटेशन दीजिए और आप देखेंगे कि जब आप इसको इनवर्ड रोटेट दे रहे हैं तो आपकी बैंडिंग, आपकी एल्बोज में माइक्रो बैंडिंग हो रही है और अभी आपकी जो बाइसेप की मसल्स है वो आपका पूरा प्रेशर यहाँ पर एंगेज करके रख रही है। एंड व्हेन योर बाइसेप्स मसल्स आर एंगेज, यू आर इजीली एबल टू होल्ड योर वेट ऑन योर पाम्स विदाउट हार्मिंग दी टेंडन्स एंड दी मसल्स ऑफ योर एल्बो जॉइंट। एंड यू कैन होल्ड योर प्लैंक फॉर लॉन्ग इफ यू आर टेकिंग ऑल द प्रेशर ऑन योर बाइसेप मसल्स। सो फर्स्ट थिंग, कैसे हम अपनी बाइसेप मसल्स को एंगेज करें या उनको इम्प्रूव करें, सो यहाँ पर सबसे क्लासिक प्रैक्टिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ दी वेट ट्रेनिंग। तो आप हल्का सा एक वेट उठाएं और डेली अपनी बाइसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग दें। अगर आपको याद है तो मैं ये बात बहुत बार कहती हूँ कि जब आप स्टैंडिंग पोस्चर में भी होते हैं तो अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को आप एंगेज करें ताकि आपके नी जॉइंट्स तक वो प्रेशर ना पहुँचे, और इसके लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी वी यूज माइक्रो बैंडिंग इन आर नीज। सो सेम माइक्रो बैंडिंग यू विल अगेन यूज इन योर एल्बोज टू गेट रिड ऑफ द हाइपर एक्सटेंशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, दिस इज हाइपर एक्सटेंडेड एल्बोज and now when you slowly curl them inside you will feel micro bending in your elbows and try to grip your mat, feel that spider grip on your mat and now try to pull your mat towards your side। koshish karo ki aap apni mat ko apni aur kheench rahe ho aur apni position mein bane rahe। enjoy your plank without any fear। thank you so much, happy practicing।